तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। जैसा कि आज अपने सामने पेश है छोटी फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी वैगनार, और ये है वैगनार का भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी VXi वेरिएंट। इस वेरिएंट को भाई लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और इसमें आपको ज़रूरत के सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर जो आप 2024 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी गाड़ी प्लान कर रहे हैं और आपके मन में ये चल रहा है कि हमको माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो ये वैगनार भाई माइलेज को लेकर आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ बना रही है। जानेंगे इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत क्या, कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, और इस दिवाली के मौके पर क्या कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, और क्या आज के टाइम पर ये गाड़ी आपके लिए बेहतर है कि नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो ये आपको 5,99,500 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पड़ जाती है हमारे यूपी गोरखपुर में। अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ भाई, कॉल वगैरह करके लोन ईएमआई वगैरह के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो सारे डिटेल आपको एक ही वीडियो में जो है वो देखने को मिल जाएगा। डिस्काउंट वगैरह थोड़ा रुक के बात करेंगे, पहले फीचर वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। चाबी से शुरुआत करेंगे तो ऐसे कुछ दो चाबी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें देखेंगे तो दोनों चाबियों में आपको बटन वगैरह दे दिया जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर लॉकिंग वगैरह दे दिया गया है भाई। तो गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो छोटी फैमिली के हिसाब से इस गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, दोनों साइड आपको क्रोम गार्निश की पट्टी जो है वो देखने को मिल जाती है। लोअर ग्रिल पर नजर डालते हैं तो मेडिसिन के साथ मिल जाएगा। VXi वेरिएंट में आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है, पर यह है कि फॉग लैंप वगैरह आप कंपनी से जो है वो ले सकते हैं। हेडलैम्प यूनिट जो है ये काफ़ी बेहतरीन यूज़ किया गया है। हैलोजन मिलेगा, लो बीम और हाई बीम आप एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर नजर डालेंगे तो ऐसी कुछ लुक जो है वो साइड्स देखने को मिल जाती है। टायर साइज देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 165/70 आप 14 इंच के साथ नॉर्मल सी स्टील रिम मिल जाएगी। कंपनी फिटेड व्हील कवर मिल जाएगा, आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS EBD जो ब्रेकिंग से संबंधित फीचर होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। फेंडर पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएगा, बॉडी कलर ORV मिल जाते हैं, नॉर्मल सा डोर हैंडल्स मिल जाएगा। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगी। बॉडी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन सा टेल लैंप यूनिट यूज़ किया गया है, ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे देखने को मिल जाता है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो गाड़ी आपको टू टू करके बताती रहती है। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। रियर में देखेंगे तो सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, वैगनार लिखा गया है क्रोम गार्निश की पट्टी के साथ। रियर में ही है तो जो इसका बोट है वो चेक करवा देते हैं, और यहाँ पे आपको 341 लीटर की काफ़ी बेहतरीन से बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। VXi वेरिएंट है, जिस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी माना जाता है उस हिसाब से आपको पार्सल ट्रे वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाती है। 60 और 40 की स्प्लिट सीट मिल जाएगी। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सीट है ना इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं, और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो निकल के आ जाता है। तो जब आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तब इस सीट को आप जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। चलिए गाड़ी में चलते हैं, क्या कुछ फीचर वगैरह इसके अंदर मिल जाता है वो चीज़ मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले भाई इसके रियर स्पेस वगैरह के बारे में बात करेंगे तो ऑल ब्लैक कलर के साथ डोर मिल जाएगा, मिरर अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं, सिल्वर सिल्क के साथ डोर ओपनर्स, बोटर होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सीट जो है ऐसी कुछ फोल्ड हो जाएगी, स्पेस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा निकल के आ जाता है, ऐसे इसे आप अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डुअल टोन फैब्रिक की सीट जो है वो देखने को मिल जाएगी। गाड़ी के साथ आपको टूल किट फर्स्ट एड किट जो है वो भी देखने को मिल जाती है। और कंफर्ट वगैरह के मामले में देखेंगे जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, लेग रूम भी आप काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाती है। यह है कि कोई भी एसी वेंट्स वगैरह रियर में नहीं मिलेगा, 3 लोगों को आप यहाँ पर आराम से बैठा सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो ग्रेबेंडर्स दोनों साइड मिल जाएगा, कोई भी रीडिंग लाइट वगैरह नहीं ऑफर की गई है। रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। चलिए भाई बता देते हैं आगे क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। और जब आप इसका ड्राइवर साइड डोर जो है वो ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है देखने को मिल जाती है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। और ये जो ड्राइवर साइड मिरर है इसे आप 1 टच डाउन कर सकते हैं, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। पावर डोर लॉक, चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। और ये जो बाहर वाला मिरर है भाई यहीं से आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भाई वैगनार के VXi में हमको काफ़ी अच्छी लगती है। पेपर होल्डर, बोटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सीट की बात करेंगे तो डुअल टोन मिलेगा, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं, कोई भी हाइट एडजस्टमेंट सीट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ से आप फ्यूल टैंक जो है वो ओपन कर सकते हैं जो कि आपको 32 लीटर का मिल जाता है। और बोनट खोलना हो तो आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। ABC एक्सीलेटर ब्रेक क्लच डेड पैडल भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ जब देखते हैं
तो ये हो गया हाइड्रोजन का लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन जो है वो भी देखने को मिल जाती है। इस फीचर का उस जगह काम आता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं लंबे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जैसे ही आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में करते हैं तैसे ही आपकी जो गाड़ी है वो बंद हो जाती है, और जैसे ही दोबारा आप क्लच को प्रेस करते हैं तैसे ही आपकी जो गाड़ी है वो रिस्टार्ट हो जाती है। जैसे आप मोटरसाइकिल वगैरह में देखे होंगे ना i3s की तरह, ये फीचर जो है वो काम करता है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट बे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो सिल्वर सिल्क के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। हेडलैम्प को आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाना हो तो आप यहाँ से वाइपर जो है वो चला सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन से MID ऑफर की गई है। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह के बारे में चेक करना हो तो आप यहीं से एवरेज वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और इस MID में स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे कई सारे अलर्ट्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा डैशबोर्ड ऑफर किया गया है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, हैलोजन लाइट के साथ साथ यहाँ पे आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। ग्रैवेंडर्स दे दिए गए हैं, यहाँ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है। डुअल टोन डैशबोर्ड मिल जाएगा। और सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसा कि ये वैल्यू फॉर मनी है भाई, तो जहाँ वैल्यू फॉर मनी नाम जुड़ जाए वहाँ ज़रूरत के हिसाब से फीचर दिया जाता है। टच स्क्रीन वगैरह नहीं मिलेगा, पर यह है कि आप कंपनी से आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन वगैरह लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। कई सारी बटन दे दी गई हैं, यहाँ से आप फ़ोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं, मेन्यू वगैरह में जाना हो तो मेन्यू वगैरह के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। USB कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और USB ऑक्स वाला केबल लगाने का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम अप डाउन वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे देखते हैं तो पार्किंग लाइट ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। मैनुअल AC मिल जाती है। फैन स्पीड वगैरह के साथ साथ टेम्परेचर वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, और इस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको स्टोरेज दे दिया गया है, बोतल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। नॉर्मल सा हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। देखा जाए भाई जिस हिसाब से गाड़ी की प्राइस है उस हिसाब से तो आपको ज़रूरत के सारे फीचर मिल जा रहे हैं। चारों पावर विंडो मिल जा रहा है, सेंटर लॉकिंग मिल जा रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ काफ़ी बेहतरीन सा म्यूजिक सिस्टम मिल जा रहा है, काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर मिल जा रही है, स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर जो आप प्लान कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी गाड़ी, तो एक बार इस गाड़ी को जरूर देख लीजिएगा। सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है भाई तो आप अदर ब्रांड या अदर गाड़ी जो है वो देख सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना होगा। मान लीजिए हर चीज़ें एक गाड़ी में तो मिलेगी नहीं, मान लीजिए गाड़ी आपको पसंद है और आपको सेफ्टी भी चाहिए तो कहीं ना कहीं अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बात कर लेते हैं डिस्काउंट वगैरह के साथ साथ इस गाड़ी में जो इंजन लगाया गया कितनी पावर देता है हमारे वगैरह के बारे में जो है वो बता सकते हैं। इस गाड़ी में आपको टोटल दो इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। CNG में जाएंगे तो 1000 cc का इंजन, और जब आप पेट्रोल में जाते हैं तो 1200 cc का इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर वगैरह की बात करेंगे तो 65 BHP पावर, 89 Nm का टॉर्क निकालता है। तो पेट्रोल इंजन के साथ आपको 24 KMPL की माइलेज मिल जाएगी। अगर जो आप CNG में चले जाते हैं तो तकरीबन आपको 35 KMPL की माइलेज जो है वो मिल जाती है। जब आप नॉर्मल पेट्रोल से CNG में जाते हैं तो तकरीबन आपको 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। और आज के टाइम पे भाई जिस हिसाब से दिवाली जैसा सीजन चल रहा है उस हिसाब से इस गाड़ी पे लगभग आपको 40,000 रुपये का अप टू डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो अगर जो आप भी भाई वैगनार प्लान कर रहे हैं ना तो एक बार शोरूम पे जाके विजिट करिए, डिस्काउंट वगैरह के बारे में जरूर जान लीजिएगा भाई। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा, अगर जो आप मारुति की ही नहीं कोई भी अदर ब्रांड ले रहे हैं तो जब भी आप कोई भी गाड़ी लेने जाइए तो एक डीलरशिप पे मत डिपेंड रहिए, कम से कम 2-3 डीलरशिप पे जाइए जहाँ पे आपको बेहतरीन से डील मिल जाए वहीं से आप अपनी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में आपके क्या राय है कमेंट में अपने जाए जोड़ दीजिए, और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर सकते हैं।